यह ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7 है, डिस्क्रिप्शन मार्क्स में दिया गया। क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना है हमें, इसका सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। पार्ट 6 में ये टेबल क्या की गई थी, बताई गई थी ट्रिक के साथ, उसको लर्न भी करना था। अगर टेबल क्या है, लर्न है, तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमने टेबल क्या है सामने बना दिया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, दो रूट में एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाई, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कितना होगा, 4, 3/4 प्लस 1/4। बेस सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर ऊपर का ऐड हो जाता है, 3 + 1 कितना हो गया, 4/4 = 1। क्या है, पहला क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, शायद यही आ जाएगा। क्या आएगा, शायद यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है। क्या है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। क्या है आज का क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे, बस वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, टेबल को देखते हुए केवल वैल्यू पुट करना है और गुणा भाग करना है, मतलब सॉल्व करना है। क्या है, 2 उधर देखकर बताओ क्या होता है, tan 45, क्या है tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। 2 × बगल में कुछ नहीं होता, क्या होता है, गुणा, क्या होता है, गुणा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस। अब क्या है, cos 30, क्या है cos 30, ये देखिए क्या है cos 30 की वैल्यू, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 स्क्वायर लगाया, तो क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। ठीक, sin² 60, sin² 60। अब sin² 60 की वैल्यू क्या दी है, अंडर रूट 3/2, क्या है अंडर रूट 3/2 है, स्क्वायर लगा दिया तो स्क्वायर लगा दिया, यहां नहीं स्क्वायर लगा दे रही है, क्या है एंगल लिखा हुआ है, यहां नहीं स्क्वायर लगाया जाता, इसकी पूरी वैल्यू रखकर तब स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अब क्या है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 × 2 2 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन स्क्वायर यहां भी है, क्या है स्क्वायर यहां भी होगा, तो 3/4 क्या होगा, 3/4। अब आगे ये क्या है लिखा हुआ था, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर क्या लिखा था, स्क्वायर उसे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, कि इसका स्क्वायर स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक, अब एलसीएम ले लेना खुशी की वजह से, क्या होगा खुशी की वजह से एलसीएम ले लेना, एलसीएम नहीं लेना, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2। अगर एलसीएम लोगे, पेपर बड़ा आता है, यहाँ से टाइम बच जाएगा, तो हम अगले क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हैं। ठीक, हमारा आंसर क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हमने करा दिए हैं, 3 पार्ट बचे हुए हैं, उनको आप कर सकते हैं, फिर उसमें वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। क्या है क्वेश्चन, 2 tan 30 + 2 tan 30 / 1 + tan² 30, इसकी वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, देखते हैं। 2 tan 30, क्या है tan 30, tan 30 क्या है tan 30, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3,
वन प्लस टेन थर्टी, टेन थर्टी मतलब वन अपॉन अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ऊपर ये नीचे वन है, टू अपॉन रूट थ्री, वन प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। वन के स्क्वायर कितना होता है, वन होता है, वन अपॉन थ्री, क्या वन अपॉन थ्री, टू अपॉन रूट थ्री। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आ जाएगा थ्री, कितना हो जाएगा, वहां से डिवाइड किया थ्री आ जाएगा, थ्री प्लस थ्री से डिवाइड कर देंगे वन आ जाएगा, कितना होगा वन, टू बाई रूट थ्री अपान फोर बाई थ्री, क्या ये हो जाएगा, टू टू द फोर हो जाएगा। फिर ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है, कितना हो जाएगा थ्री बाई टू रूट थ्री, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, अभी हमारी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या कह सकते, अगर ये है थ्री, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, क्या लिख सकते हैं, इसका ही मतलब होता है थ्री, तो चाहे इसको हम ये लिख दें और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये क्या है थ्री, इसको हम लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपान टू रूट थ्री, कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये थीटा में किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन क्या था, साइन सिक्सटी कॉस सिक्सटी की वैल्यू नहीं होती है, टेन सिक्सटी की वैल्यू नहीं होती है, और साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, साइन सिक्सटी, क्या आ जाएगा, साइन सिक्सटी, साइन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट थ्री बाई टू, ऑप्शन नंबर क्या है, किसकी वैल्यू होती है, साइन सिक्सटी, किसकी वैल्यू होती है, साइन सिक्सटी, साइन सिक्सटी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, क्या है, वन माइनस टाइन स्क्वायर 45 अपान वन प्लस टेन स्क्वायर 45, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है टेन नाइन्टी, वन साइन 45 और जीरो। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंख बंद करके भगवान का नाम लेके टिक कर देंगे जब क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। सॉल्यूशन क्या, हल वन माइनस टाइन स्क्वायर, टाइन स्क्वायर 45, मतलब टाइन 45 की वैल्यू क्या होती है, टाइन एक ऐसा 45 है कि उसकी वैल्यू तुरंत याद हो जाती है, क्या हो जाती है, तुरंत याद हो जाती है, क्या होती है, वन वन होती है, तो वन का स्क्वायर अपन वन प्लस वन, बच्चे क्या करेंगे, इसको करेंगे वन माइनस वन अपान टू, है ना, प्लस भी करेंगे, अरे ऊपर जीरो आ रहा है तो नीचे प्लस करने की क्या जरूरत है, आंसर जीरो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट है, क्या है क्वेश्चन, साइन टू ए इजगल टू टू साइन ए, अब इसमें देखना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी ए की वैल्यू, ठीक, ये क्या करेंगे हम, ऑप्शन से लेंगे क्वेश्चन, क्या ऑप्शन उठा के हम क्वेश्चन में रखेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन को उठा के क्वेश्चन में रखेंगे, साइन टू ए इजगल टू टू साइन है, क्या है, साइन टू ए इजगल टू टू साइन ए, पहले हम ऑप्शन यही रख के देख लेते हैं, ए की वैल्यू लाना था, क्या लाना था,
एक ही वैल्यू लाना था। चलो हमने लेट कर लिया, एक ही वैल्यू ही है। क्या है? एक ही वैल्यू ये है। रखो साइन 2a इंटू जीरो, और साइन जीरो के वैल्यू के कहते हैं, बताते हैं क्या होती है। चार्ट पे लिखा हुआ है 2 साइन ए जीरो। क्या है? 2 साइन ए जीरो। अगर हम किसी भी संख्या में जीरो को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 1। क्या आता है? 1। 1 नहीं आता है, जीरो आता है। कोई भी नंबर ले लो, चाहे 100 ले लो, 1000 ले लो, 1 लाख ले लो, कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कोई भी उसमें करेंगे तो जीरो क्या आंसर आएगा? जीरो आएगा। मतलब 2 का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। तो साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। क्या हो गया? इधर जीरो हो गया। अब इधर वाले देखते हैं, 2 साइन जीरो की वैल्यू जीरो, क्या हो जाएगा आंसर? जीरो। इसका मतलब हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा, दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन क्या है कि अभी हमने साइन 2a का फार्मूला नहीं बताया, वहां से भी आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर 1 तो रख के हमने चेक कर लिया कि हमारा आंसर सही है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, क्या है? साइन 30। क्या है? साइन 30। तो साइन क्या है? साइन 2 इंटू ये वैल्यू पुट करो यहाँ, यही तो वैल्यू है, की है कितना हो जाएगा? 30 इजल टू 2 साइन, क्या है साइन 30 वैल्यू? 30। दोनों सॉल्व करेंगे, देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह है 60 हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3/2। क्या होते हैं? अंडर रूट 3/2। इधर देखते हैं, 2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? देखिए क्या होती है? 1/2। क्या होते हैं? 1/2। तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये क्या इक्वल आया? नहीं आया। क्या इक्वल आया? नहीं आया। इसका मतलब क्या है? ये 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर ये बी नहीं है। इसी प्रकार इसको भी रखेंगे सिमिलर, इसी प्रकार इसको भी रखेंगे, ये दोनों भी नहीं मैच करेंगे इक्वल में। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? 2 tan 30 अपान 1 - tan²30। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? बस क्या करना है? वैल्यू उठा के पुट करना है, और गुणा भाग हमने बचपन में पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। टू टाइम ये क्वेश्चन लिखा हुआ था 32। अब देखते हैं टाइम 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। क्या होती है? 1/√3 अपान 1 - tan²30 का भी वैल्यू रखा है हमने, 1/√3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, होल अपान क्या हो जाएगा? 1 - 1/3 क्या हो जाएगा? 1 - 1/3 रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर नीचे क्या हो गया? ऐसे में लेने 3 - 1/3 2/√3 अपान, यहाँ से क्या बचेगा? 2/√3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, इसके आगे इधर है। क्या है? 3/√3
इस तरह की हमने पहलू कही है यहाँ टेबल में, नहीं है क्या है, नहीं है। क्या करेंगे, 3/√3, एक रूट थ्री से मल्टी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक रूट थ्री से नीचे कर दो, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, बात वही है। ये हो गया, यहां से क्या आ जाएगा, 3/√3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है tan 60। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ऑप्शन सी।